दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में जो है रोहित शेट्टी आज आने वाले हैं। कल उनका प्रोमो थोड़ा बहुत दिखा दिया गया था पार्ट, जब वो एंटर किए और सवाल जवाब होने वाला उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ तक एपिसोड था, उसके बाद कट हुआ। बट रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के घर में आकर दोस्तों खास रिक्वेस्ट अगर किसी की है ना खास, तो वो दो नाम मुनव्वर और अभिषेक हैं। और इन दोनों से क्या रिक्वेस्ट की है रोहित शेट्टी ने और क्या कहा है, या फिर ये कह लो कि रिक्वेस्ट ही भाई टाइप ऑफ ये एडवाइस थी जो वो एज अ एडल्ट या फिर बड़े होने के नाते देना चाह रहे थे, मुनव्वर और अभिषेक से बड़े होने के नाते उनको ये चीज़ सिखाना चाह रहे थे, या फिर ये कह लो कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये बात बोल गए मुनव्वर और अभिषेक को। ये इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और क्या कहना है उनका। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदो। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो अब जैसे प्रेस जब आई थी तो वहाँ पर मुनव्वर पर एक इल्ज़ाम लगा था कि एक वुमेन चीटर है, एक वुमेन बीटर है। तो शायद हो सकता है कि उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हुए रोहित शेट्टी के पास सवाल दिए गए हों चैनल से। ऐसे जो सवाल रोहित शेट्टी ने सबसे पहले मुनव्वर को पूछा था वो ये था कि आपने इस बार इस गेम में बहुत स्मार्टली प्ले अलोंग किया है, क्योंकि सबसे पहले आपके बेटे का भी बारे में आपने बताया और एक लड़की के बारे में भी आपने ही उनका नाम लिया, तो ये सारी चीज़ आपको समझता अपने जनता के साथ प्ले अलोंग किया है। जिसके बाद मुनव्वर इस चीज़ को मानते भी हैं और बहुत सफाई से बात कहते भी हैं कि यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता कि मैं भाई ये हूँ मैं वो हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं बाहर कर सकता हूँ और जो मैं हूँ ये लोग मेरे को जानते हैं, और उस चीज़ पे मैंने डेफिनेटली प्ले अलोंग किया है बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर ऐसे नेशनल टेलीविजन पे बाहर आए। अभिषेक को उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुमने हाथ उठाया और ये सारी चीज़ें, बट दोनों को एडवाइस एक्चुअली में मच सिमिलर थी। मुनव्वर के लिए ये था कि भाई अब अगर बाहर जाएगा तो जिससे रिश्ता रखना है रख लेना और जिससे रिश्ता तोड़ना होगा उससे रिश्ता सीधे तोड़ देना, और जो भी कुछ होगा अगर तू किसी के साथ रिश्ते में है नहीं है उस बारे में सच बोलना, जाके बाहर घुमा फिरा के बात मत करना, सच बोलना एट विद पॉइंट बोलना। और अभिषेक को उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बोली है कि अभी औरत पे कभी हाथ मत उठाना, लड़कियों पर कभी हाथ उठाना ही मत, वो तेरी मर्दानगी की निशानी नहीं होगी अगर तू ऐसा कुछ कर रहा है तो। बट उसके बाद अभिषेक बोलते हुए कि सर वहाँ से भी तो ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसके बाद रोहित शेट्टी ये भी कहते हैं अभिषेक को कि वैसे रिलेशन से खुद ही दूर हो जाओ, तो खुद ही दूर हो जाओ, वो मोमेंट ही मत आने दे। तो ये सारी चीज़ें जो रोहित शेट्टी समझा कर गए, मैं देख रहा हूँ उसको बहुत सारे लोग एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बट असलियत में ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रोहित शेट्टी समझा कर गए और बता कर गए अपने एक्सपीरियंस से कि भाई ये गलतियाँ करोगे ना तो इधर इधर आकर ऐसे ही अटकोगे। मतलब जो गलतियाँ इन्होंने बिग बॉस के घर के बाहर की थी वो यहाँ पर आकर भारी पड़ गई ना इन लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसको अगर ऐसा सीख लें तो भाई बहुत सही रहेगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।